वो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है माचो में एक शूटिंग पर होती है और उसके बाद शूटिंग खत्म होने के बाद माचो मिया बोलती है मैं आप घर जा रही हूँ और ये बोलकर वो चली जाती है। और जो डायरेक्टर बोलने लगता है माचो मिया सच में चंदर है, वो फ्यूचर में बहुत आगे जाएगी और उसका बूब्स भी परे है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है माचो मिया नहा रही होती है और उसके बाद वो बाथरूम से बाहर आकर देखता है एक बुक को, यानी एक कैफे के बुक को जहाँ पर कपल डेट करने के लिए जाता है और उस कैफे का एड माचुमी ने किया था। और ये सब देखकर माचुमी बोलने लगती है मैं बहुत दिनों से ताकुमा को नहीं देख रहा हूँ, मैं उन लोगों से बहुत जलता हूँ, उन लोगों को ताकुमा के साथ डेट में जाने का मौका मिला। और उसके बाद दिखाया जाता है एक ताकुमा एड कर रहा होता है और ताकुमा उससे भाग रहा होता है और जो नाच चुकी उस आकुमा के ऊपर हत्या कर देती है। और इधर दिखाया जाता है फुटावा लोग एक साथ एक रेस्टोरेंट पर खाना खा रहा होता है और उसके बाद प्रेसिडेंट और फुटावा बोलने लगती है अब उसे स्टार्ट करने का समय हो गया है वन लव एक आइडल के साथ। और उसके बाद दिखाया जाता है माचुमी और ताकुमा वही कैफ पर होता है और इधर माचुमी बोलती है तुम्हारा शुक्रिया ताकुमा, मैं यहाँ का पुडिंग खाना चाहती थी, यहाँ का पुडिंग बहुत यामी है, तुम भी एक बाइट लो। और इधर ताकुमा एक बाइट ले लेता है और इधर माचुमी सोचने लगती है ताकुमा सच में कूल है और मुझे इस वक्त का फायदा उठाना होगा जो उसने मेरे लिए ही बनाया है मतलब एक आइडल के साथ। और उसके बाद माचुमी सोचने लगती है मैं ताकुमा को ऐसे पकड़ के ऐसे कुछ बातें बोलूँगा। और ऐसे ही माचुमी कुछ सोच रही होती तभी वो चुनती है कोई बोल रहा होता है सच में यमदा क्या तुम माचुमी की दोस्त हो। और ये सुनकर वो अपने आँखों को खोल कर देखती है ताकुमा के पीछे ही यमदा और उसके दोस्त श्वेता है। और इधर यमदा बोलता है हाँ हम लोगों ने एक दूसरे को एक दूसरे के नंबर भी दिया है और आने वाले लेटेस्ट आइडल है माचुमी क्योंकि वो एट्रैक्टिव और अच्छे स्वभाव की है और उसके बूब्स भी बहुत भरे है। और ये सब बातें माचुमी सुन रही होती है और ताकुमा माचुमी से पूछती है क्या तुम यमदा के दोस्त हो। और इधर माचुमी बोलती है मैं शायद उसके साथ एक बार बात किया था। और इधर यमदा अपने दोस्तों को बोल रहा होता है वो ताकुमा 50 लोगों की मारधर किया है और उसके पेरेंट्स भी एक क्राइम शांता के मेंबर है। और यह सुनकर माचुमी ताकुमा से पूछती है क्या तुम्हारे पेरेंट्स इसमें एक क्राइम शांता के मेंबर है। और इधर ताकुमा बोलता है वो बस ऑफिस वर्कर थे। और इधर यमदा अपने दोस्त को बोलता है यार मैं हमेशा उस अकुमा यानी ताकुमा के हाथ से खिड़की से बाहर फेंक दिया जाता हूँ। और ऐसे कुछ बातें बोलकर वो पीछे मुड़ता है और पीछे मुड़कर देखता है उसके पीछे ही ताकुमा बैठा है और इसे देखकर वो फिर से खिड़की से जम कर देता है। और उधर सब लोग बोलने लगता है उस बड़े लड़के ने एक लड़का को खिड़की से फेंक दिया है, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। और इधर माचुमी बोलती है नहीं तुमने तो कुछ नहीं किया है। और इधर ताकुमा बोलता है नहीं मुझे इसकी आदत है। और उसके बाद ताकुमा खड़ा होकर बोलता है क्या हमें जाना चाहिए। और इधर माचुमी खड़ा होकर बोलती है हाँ। और वो खड़ा होकर सोचने लगती है शुक्र है कोई भी मुझे पहचान नहीं पाए क्योंकि सब लोगों का ध्यान ताकुमा के ऊपर ही है, मुझे लगता है कि ताकुमा को ये सबसे बुरा लगा होगा। और उसके बाद वो ताकुमा को बुलाकर बोलती है ताकुमा चलो मजा करते हैं, क्या तुम्हें कोई जगह पसंद है जहाँ पर तुम जाना चाहते हो। और ताकुमा बोलता है तुमने पूछा है तो हाँ मुझे एक जगह पर जाना है जहाँ पर मैं जाना चाहता हूँ। और उसके बाद मैंने कहा जाता है वो लोग एक लाइब्रेरी में होता है जहाँ पर ताकुमा के हाथ पे एक बुक होता है और वो बोलने लगता है ये बुक अगले हफ्ते ही आई है मुझे इसे पढ़ना होगा। और इधर माचुमी ये सब देखकर बोलती है बहुत अच्छा ताकुमा तुमने तय कर लिया है कि तुम क्या करना चाहते हो और तुम उस पर बहुत मेहनत कर रहे हो, मैं तुमसे प्रभावित हूँ। और बोलती है जब मैं बच्ची थी तब मेरे ऊपर एक ताकुमा ने हमला किया था और तब से मैं डरी हुई हूँ और इसलिए मैं अपना कॉन्फिडेंस खो दिया और तब बच्ची भी हमें नाचुकी ने बचाई थी और स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट को भी बचाई थी। और इधर दिखा जाता है नाचुकी और प्रेसिडेंट एक साथ पढ़ रही होती है और इधर प्रेसिडेंट बोलती है क्या हो मुझे अचानक से मुझे ठंड लगने लगी है। और इधर नाचुकी बोलती है क्या हो तुम्हें क्या तुम्हें सर्दी लगी है। और इधर प्रेसिडेंट बोलती है तुम दूसरों की मत सोचो तुम अपने दिमाग की सोचो। और उसके बाद दोनों के बीच में झगड़ा हो जाती है और तभी वहाँ पर मीसा और कुरूरी आ जाती है और मीसा बोलती है तुम दोनों अपना झगड़ा बंद करो। और जब दिखा जाता है माचुमी और ताकुमा कुछ बातें कर रहा होता है जहाँ पर ताकुमा डर जाता है। और फिर माचुमी बोलती है मैं खुश हूँ क्योंकि मैं एक आइडल बनी, अब मुझे ताकतवर बनना होगा और मेरी फैमिली के लिए कड़ी मेहनत करना होगा।
और तभी ताकुमा को उसकी मोम का याद आता है और उधर माचो में पूछती है क्या हुआ ताकुमा। और उधर ताकुमा बोलता है मैं इस बुक को खरीदने जा रहा हूँ और ये बोलकर वो चला जाता है। और उधर माचो में बोलने लगती है मैं जब ताकुमा की ओर देखती हूँ तब मेरा दिल जोर से धड़कने लगता है। और तभी और ताकुमा आ जाता है और बोलता है मैंने इसे खरीद लिया। और इधर माचो में बोलती है मुझे माफ करना मैं यही रह गई। और इधर देखा जाता है माचो में ताकुमा से पूछता है अब अगला हम लोग कहाँ जाए। और इधर ताकुमा बोलता है मैं घर जाना चाहूंगा क्योंकि मुझे पढ़ना है। और ये सुनकर माचुमी बोलती है तुम्हें कभी कभी पढ़ाई से ब्रेक लेना चाहिए। इसका मतलब ये ऐसा नहीं है कि मैं इतना जल्दी घर जाना चाहता हूँ पर मैं बस यही नहीं रुकना चाहता। और इधर माचुमी सोचने लगती है इसका मतलब ये मेरे साथ और रहना नहीं चाहती है। और ये सोचकर वो बोलती है चलो कहीं घूमने जाते हैं। और इधर ताकुमा बोलता है नहीं मैं घर जा रहा हूँ। और इधर उन लोगों को गर्म देख रहा होता है और बोलने लगता है वो लोग क्या कर रहा है मुझे लगता है कि वो एक डेट है। लेकिन जो भी हो मैं उस लड़की को चबा चबा के खाना चाहता हूँ। और इधर गर्म को देखकर कुछ लोग बोल रहा होता है वो आदमी किसको देखकर मुस्कुरा रहा है। और इधर गर्म सोचने लगता है मुझे उससे बात करना चाहिए और अभी के लिए उनके डेट पूछना चाहिए। और उसके बाद गर्म अपने पॉकेट से कुछ निकालता है और उधर अमेरिका जाता है। माचो में एक बुक दिखाकर ताकुमा को बोलता है देखो वो लोग सड़क पर एक लाइव शो कर रहा है लगता है ये शो बहुत ही मजेदार होने वाला है। और तभी वहाँ पर एक टॉय जैसा कुछ आता है और बोलता है तो आइडल माचो में यहाँ पर है। और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है आइडल माचो में यहाँ पर है। और बोलता है ये एक लो लेवल की आकुमा के साथ है। और ये सब सुनकर माचो में को डर लगती है। और तभी वहाँ पर कुछ लड़का आता है और इसे देखकर ताकुमा माचुमी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। और वो लड़के लोग भी उसके पीछे से भागने लगता है। और इधर ताकुमा लोग एक जगह पर जाकर रुकता है और उनके पीछे पीछे वो लड़का लोग भी आ रहा होता है। और उनकी आवाज सुनकर ताकुमा डर जाता है। और उसके बाद देखा जाता है वो लड़का लोग वहाँ पर पहुँच जाता है लेकिन वहाँ पर ताकुमा और माचुमी नहीं होता है। और उसके बाद उनमें से एक लड़का उस टॉय को बोलने लगता है वो लोग कहाँ पर है। और इधर हमें देखा जाता है माचुमी और ताकुमा एक लोकर रूम के अंदर होता है जहाँ पर माचुमी को बहुत अच्छा लगता है। और वो सोच रहा होता है मैं ताकुमा का बहुत करीब हूँ। और इधर बाहर वो लड़का लोग उन लोगों को ढूंढ रहा होता है। और इधर माचुमी सोचने लगती है अगर ताकुमा एक बुरा आदमी होता तो वो मेरे साथ ये सब करता यानी कुछ गंदा काम सोच रहा होता है। और इधर ताकुमा उसे बुलाकर बोलता है माचुमी हम यहाँ से कैसे बाहर निकले। और इधर माचुमी बोलती है मेरे पास एक प्लेन है। और ये बोलकर वो बोलती है तुम अपने शर्ट के बटन को खोलो। और उसके बाद वो अपने शर्ट के बटन को खोल लेता है। और उसके बाद माचुमी उसके चेस्ट में अपना मुंह लगाकर आराम कर रहा होता है और बोलती है तुम मुझे किस करो। और इधर ताकुमा घबरा रहा होता है। और इधर माचुमी बोलती है ये मेरा पहला किस होने वाला है। और इधर माचुमी बोलती है ताकुमा तुम थोड़ा नीचे झुको मेरा मुंह तुम तक पहुँच नहीं रहा है। और इधर फिर से माचुमी उसे किस करने लगती है। और इधर ताकुमा उसके पैर को पिचक रहा होता है। और ये देखकर वो बोलती है क्या कर रहे हो। और इधर ताकुमा बोल रहा है जल्दी करो। और इधर माचुमी बोलती है मैं आराम से करूंगी लेकिन 5 मिनट तुम्हें रुकना पड़ेगा तभी मेरा लेवल अप होगा। और इधर बाहर से वो लोग बोलता है लगता है उस लॉकर में कोई है। और उसके बाद वो लोग उस लॉकर की ओर जाता है और तभी वो लॉकर चमकने लगता है एक रोशनी के द्वारा वो दोनों वहाँ से बाहर निकल के जाता है। और उसके बारे में लिखा जाता है ताकुमा और माचुमी आसमान में होता है जहाँ पर ताकुमा डर रहा होता है। और इधर माचुमी बोलती है चिंता मत करो। और तभी ताकुमा आकर माचुमी को पकड़ लेता है। और उसके बाद दोनों मिल के नजारा देखने लगता है। और ये नजारा देख कर ताकुमा को अपनी माँ का याद आता है जहाँ पर उन दोनों ने पहले भी ये नजारा देखा था। और तभी माचुमी को कुछ होने लगती है और देखकर ताकुमा पूछता है क्या हुआ। और इधर माचुमी बोलती है मेरा लेवल लो हो रहा है। और तभी वो दोनों नीचे गिर जाता है। और उसके बारे में दिखा जाता है एक लड़की को और उस लड़की का नाम है इसिका और वो किसी के साथ फोन पे बातें कर रहा होता है। और इधर हमें दिखा जाता है गर्म को और वो कुछ खा रहा होता है। और तभी वो फिर इसिका आ जाती है और बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और इधर गर्म बोलता है मुझे डिस्टर्ब मत दो मैं खाना खा रहा हूँ क्या तुम भी लेना चाहोगे। और उसके बाद दोनों के बीच में कुछ बातें होता है। और उसके बाद हमें दिखा जाता है माचुमी और ताकुमा घर पर आ जाता है। और इधर घर के बाहर ही नाचो की लिख होती है और वो लोग बोलती है फल लव एक आइडल के साथ एक कामयाब रही। और ये एपिसोड एंड हो जाता है।